हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जस्मीन, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ से हम लोग गुवाहाटी से निकल रहे हैं अभी शिलोंग के लिए। और बाय बाय एकुलन, बाय बाय गुवाहाटी। और यहाँ से हमारी मंजिल की ओर चल पड़े हम लोग घूमने फिरने के लिए, खूब मस्ती करने के लिए। आगे हमारे साथ बने रहिए। और आते आते रास्ते पे भोलेनाथ की मंदिर मिल गए और मेरे बाबू बोले कि बाबा से दर्शन कर ले, क्योंकि सावन का महीना आ चुका था। तो इसीलिए हम लोग दिमापुर में होते तो ज़रूर बाबा के दर्शन के लिए जाते, लेकिन हम लोग रास्ते टूर पे रह गए तो इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। और नेक्स्ट वीक देखेंगे। और यहाँ देखिए हमारे बाबू जा रहे हैं बाबा से दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे से पूजा पाठ किए बाबू ने, और यहाँ वहाँ का लोग भी बहुत अच्छा ट्रीट किया बाबू से। उसके बाद वहाँ से चल पड़े हम लोग आगे अभी शिलोंग के लिए, लेकिन शिलोंग के टाउन के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, साइड से होते हुए हम लोग जाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे दाऊकी के लिए, और दाऊकी में बहुत मस्त प्लेस है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ देखिए इतना जाम, क्या बोलूँ, इतना टाइम लगा हम लोग को दाऊकी पहुँचने के लिए। 2 घंटा की जगह हम लोग को लगा 5 घंटा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार, शिलोंग का नज़ारा बहुत सुंदर है। कोई भी आइए यहाँ का मज़ा लीजिए, बहुत खूबसूरत है, दिल शांति हो जाता है यहाँ के। वेरी नाइस और मस्त, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, इतनी लंबा सफ़र की बात भी हमारी मंजिल मिल ही नहीं रही थी, इसीलिए हम लोग सोचे कि रास्ता पे थोड़ा सा मजा मस्ती करें। और यहाँ देखिए हमारे भाई दौड़ते हुए आ रहे हैं, मैं पहले कर रहे हैं, दोनों भाई में लड़ाई हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा टाइम हम लोग रेस्ट किए, उसके बाद यहाँ से फिर से हमारी मंजिल की ओर चल पड़े। और आगे बने रहिए, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो शिलोंग से कुछ ही दूरी में दोस्तों मालियम करके एक जगह है, एक छोटा सा गांव, और वहाँ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हम तो सोचे थे कि शायद अच्छा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन मजबूरन खाने के लिए गए थे तो बहुत दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और खाना बहुत स्वादिष्ट थे वहाँ का, और आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए वहाँ पे, जब भी शिलोंग जाइएगा यहाँ पे खाना ज़रूर खाइएगा। यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त मस्त है, छोटा सा एक प्लेट में खाना देता है, लेकिन एकदम मतलब इतना स्वादिष्ट खाना, आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा। और जर्नी का सफ़र, जो सफ़र है ना, तो जो थकावट सब दूर हो जाएगा। और हम लोग तो बहुत इंजॉय किए खा पी के, बहुत मस्त खाना था, बहुत स्वादिष्ट खाना था। मैं तो जी भर के खाई, दो बार मांग मांग के खाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आगे बने रहिए मेरे साथ, और ढेर सारा मस्ती है, मौज है, बहुत ऐसे है, हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ बहुत सारा इंजॉय कीजिएगा। और देखिए मैं भर भर के खा रही हूँ, बाबू भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, और पूरा बाटी और थाल प्लेट सब खाली कर चुकी थी मैं, इतना मज़ा आया मेरे को खा के। और हमारे जाकिर भाई देखिए खा पी के रुके कि कब इन लोग उठे और कब मैं हाथ धोने जाऊँ। और मेरा ये गोलू सा भाई एक्शन, उसके बाद फिर से हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल के ओर। और आगे बने रहिए हमारे साथ। तो फाइनली हमारी मंजिल आ चुकी है, और आगे बने रही है। वाह, यहाँ आते ही देखती हूँ जाम, ओ माय गॉडनेस। कोई नहीं, आगे बने रही है, बहुत सारा मस्ती होने वाला है। कंट्रोवर्सी इंटरव्यू को মানে তিমাপুর আইছি, তিমাপুর গুহাটী আইছি, গুহাটী পাই শিলং দেশে চলে সুন্দর মতো নদী। वाओ दोस्तों, तो मैं अपनी मंजिल की ओर आ चुकी हूँ। वाओ, मैं बहुत हो गई खुश, और खुशी के मारे मैं नीचे गिर ना जाऊँ सोच के बाबू मेरे हाथ पकड़ के नीचे उतार दे रहे, सहारा दे रहे थे मेरे को। और मैं नीचे आती बहुत खुश हो गई छोटे से छोटा झरना देख के।
और यहाँ आते ही बहुत सारा जान पहचान लोग मिले, हमारे नागालैंड दिमापुर से भी थे, कोई कोई कोहिमा से भी थे, और वहाँ का आसाम का भी बहुत सारे लोग थे, और कुछ कुछ जान पहचान का भी निकल गए थे, तो उन लोग से मिल के बहुत खुश हो गए। और यहाँ का प्लेस देखिए कितनी सुंदर, और एकदम इतना खतरनाक जगह था ना, एक गलती होता तो नीचे हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन हम लोग बहुत खुश थे। इतना लंबा सफ़र की बात फाइनली आ चुके हैं हम लोग, और अभी ढेर सारा मस्ती करने वाले हैं हम लोग। बने बाबू है सब सब ने हाय किए थे, आप भी कुछ कहो हाय चश्मा। हे भगवान आज आदमी ज़्यादा हुआ है क्या? कौन सा टाइम में ज़्यादा होता है बाबू? हम लोग ने ढेर सारा रील्स बनाया यहाँ पे, और बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ मैं। नाच नाच ओह माय गॉड, बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो गाइस आगे बने रहिए, हम लोग बहुत सारा और मस्ती करने वाले हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ओके तो दोस्तों हमारा हो गया इंजॉयमेंट कंप्लीट, और अभी जा रहे हैं हमारे भैया की घर की ओर। हमारे भैया रहते हैं जागी रोड कोपालकोटा, और हम सोचे कि भैया से मिलते हुए जाएं, कि बहुत साल से नहीं मिले भैया से, 10 साल से नहीं मिले, तो आगे बने रहिए हमारे साथ, आप लोग को भी मिलाएंगे हमारे भैया से। तो दोस्तों वहाँ से निकलते ही रास्ते पे मिल गए एक दुकान, एक आंटी की दुकान, और वहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पानी नाश्ता किए। उसके बाद वहाँ से ढेर सारा सब्जियाँ खरीदे, फूल गोभी वगैरह, देखते ही मैं एकदम पागल सी हो गई हूँ। ताज़ा ताज़ा हरा हरा सब्जी मिला, मैं खरीदी वहाँ से थोड़ा। गाइस मैं ये कोकोनट खरीदी हूँ खाने के लिए, मस्त है। तो दोस्तों मैं यहाँ से बहुत सारा फल फूड खरीदी हूँ, फल यहाँ पे इतना ताज़ा ताज़ा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और ली, और उसके बाद वहाँ से निकल पड़ी अपनी मंजिल की। शिलोंग का नज़ारा, शिलोंग टाउन का नज़ारा है, देखिए एवरीवन। तो दोस्तों देखिए शिलोंग में इतना जाम क्या बोलूँ, 2 घंटा लग गया हम लोग को वहाँ से निकलने के लिए। उसके बाद आ गए हमारे भैया के घर पर, और मेरे मोबाइल में पानी घुसने की वजह से बहुत सारा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, और ये है मेरे भैया गुलाबी सरारा, हमारे भैया। सबसे इंट्रोडक्ट करा रही हूँ मैं, और सबसे बातचीत किया, और मेरे भैया एकदम से खुश, और देखो मेरे गोलू मोलू सा भाई भी खुश आके, और मेरे भैया का बेटा देखिए रात 2 बजे तक नहीं सो के बैठे हुए थे अपनी बुआ से मिलने के लिए। और हमारे आएंगे शर्मा रही है, जैसे कि वहाँ पे कोई कवारा लड़का है उसको तो जही भी जाना है, शर्माना है सिर्फ। और जाकिर भाई वो तो बेचारा थक चुका था, नींद में गोलू मोलू सा हो रहा था। उसके बाद हमारे लिए शरबत आया, और आइंग सबको दे रहे थे, और मेरे भैया बहुत सारे बातें कर रहे थे क्योंकि हम दोनों 10 साल से नहीं मिले थे। उसके बाद देखिए सब लंबा उम्बा होके एकदम से खूब रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद मेरी भैया एकदम टेस्टी मेरी भाभी ने खाना बनाया। मेरी भाई भाभी का वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि हमारे भैया का नीचे होटल है, होटल में बिजी थे मेरी भाभी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी मैं भैया का वाइफ मेरी भाभी से मिलाऊँगी सबको, और
यहाँ देखिए मैं बाबू को खाना निकाल के दे रही हूँ, बाबू खाएंगे अभी। और इतना जगह घूम फिर के जब हम लोग भैया के घर पे गए ना, एकदम मतलब इतना शांति से खाना खाया, वहाँ का खाना अभी तक नहीं भूल पाई। और स्पेशली मेरी भाभी की पिसा हुआ चटनी, जो पाटा पे पीसते हैं ना, वो चटनी नंबर वन चटनी, वो खा के हम लोग सब खुश हो गए। अभी तक भी वो चटनी की स्वाद नहीं गया। तो अगर मेरे भाई और भाभी सुन रहे हैं, ये चटनी दोबारा मेरे लिए बना के पार्सल कर देना। और चिकन बनाए थे बहुत टेस्टी वाला, मटन भी बनाए थे, दाल सब चीज़ बनाए थे मेरी भाभी। मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी भाभी। मेरे भैया का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, और हम लोग का भी कभी भी हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम लोग आए, आते देखा एक एक्सीडेंट हो गया था, हस्बैंड वाइफ और बच्चे थे। हम लोग अगर समय से नहीं पहुँचते शायद इन लोग कोई बचा हुआ नहीं रहते। हम लोग ने सबको निकाले बाहर। इन लोग को निकालने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसके हस्बैंड के ऊपर। उसकी वाइफ की पूरे कमर टूट चुका था, लेकिन उसके हस्बैंड फ़ोन में लगा हुआ था कि गाड़ी को खींच के ले जा रहे हैं। ना बच्ची की खबर, ना वाइफ की खबर, किसी की खबर नहीं, उसकी अपनी गाड़ी की पड़ी हुई थी। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ गाड़ी बनानी है, आज नहीं तो कल खरीद लेंगे, लेकिन आदमी की ज़िंदगी के साथ मत खेलना। और हम लोग गुस्सा से सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, जाके आगे थाना था कार्बेलोंग में, तो हम लोग वहाँ पर जाके रिपोर्ट किए। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए। और आगे मेरे अच्छा ब्लॉग आएगा, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।